जेई केमिस्ट्री चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एस्पाइरल कंपाउंड्स एंड बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स, उसके बाद एस्पाइरल कंपाउंड्स का अध्ययन करेंगे। इसमें प्रत्येक टाइप्स के प्रॉब्लम्स को हम लोग कवर आज करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के व्यू से। तो चलिए हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं, इससे पहले कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जी हाँ, लाइक कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। नेक्स्ट टॉपिक है आपका IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ बाइसाइक्लिक कंपाउंड। बाइसाइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर सीखने जा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है कंपटीशन के व्यू से, ठीक है ना। तो हेडिंग लगाइए IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स। हम लोग हेडिंग लगाने जा रहे हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ बाइसाइक्लिक कंपाउंड। IUPAC नोमेनक्लेचर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बाइसाइक्लिक कंपाउंड। तो सबसे पहले इसमें टर्म आएगा कि बाइसाइक्लिक कंपाउंड आपका क्या है, बाइसाइक्लिक कंपाउंड किसे कहते हैं, तो इस टर्म को पहले जान जाए। तो हेडिंग लगाएंगे नेक्स्ट इसमें बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स का हिंदी बोल सकते हैं द्विचक्रीय यौगिक। अब बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या है, सबसे पहले हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, आफ्टर दैट उसके बाद हम लोग इसका डेफिनेशन लिखते हैं, क्लियर ना। तो बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स हमने आपको जब IUPAC फॉर्मूला बताया था उस समय भी हम बाइसाइक्लिक कंपाउंड को हम डिफाइन किए थे, बताए थे कि क्या होता है। आई होप कि आपको याद होगा, नहीं तो रिव्यू करा दे रहा है। तो बाइसाइक्लिक कंपाउंड क्या है, तो इसमें क्या होता है बच्चों कि दो रिंग होते हैं, दो रिंग एक दूसरे से डायरेक्ट जुड़े होते हैं, ठीक है ना। और खास बात ये होता है ना, ये जो दो रिंग है एक दो, ये एक दूसरे से डायरेक्ट जुड़ा होता है, और डायरेक्ट जुड़ा होता है जिसमें कॉमन कार्बन एटम दो होता है, इसी को कॉमन कार्बन एटम कहते हैं। ये कॉमन कार्बन एटम है, ये कॉमन कार्बन एटम है। क्यों इसको कॉमन कार्बन एटम कह रहे हैं, ये कहिए कॉमन कार्बन एटम है नहीं है, ये 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 नहीं है, नहीं नहीं, केवल कॉमन कार्बन एटम यहां ये और ये है। अब यहां सवाल उठता है कि क्यों इसको कॉमन कार्बन एटम कहते हैं, बाहु मेरे इसको कॉमन कार्बन एटम इसलिए कहते हैं, ये जो कार्बन एटम है ना ये इस रिंग में भी भाग लिया है, यही कॉमन कार्बन एटम इस रिंग में भी भाग लिया है। दैट मीन्स ये जो एटम है दोनों रिंग में इन्वॉल्व है, इसलिए इसको कॉमन कार्बन एटम कहेंगे। सर जी यहां पर भी है, तो बिल्कुल है यहां पर भी है, इसलिए कॉमन कार्बन एटम कहेंगे। तो यहां पर जो कॉमन पॉइंट है कितना है, दो है, कॉमन पॉइंट दैट मीन्स कॉमन कार्बन एटम कितना है, दो है, कंफ्यूजन नहीं है। तो यहां पर कॉमन कार्बन एटम, या इसी कह सकते हैं कॉमन पॉइंट, तो देखा जाए तो कितना है बाबू, दो है, तो हम बाइसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। और एक कंपाउंड को कंसीडर करते हैं बाबू मेरे, जैसे ये कंपाउंड्स है, इसमें भी कॉमन कार्बन एटम कितना है, दो है, तो ये भी बाइसाइक्लिक कंपाउंड है। और एक बात ध्यान रहे, जो ये कॉमन कार्बन एटम रहता है ना, जो कॉमन कार्बन एटम है इसको ब्रिज हेड कार्बन के नाम से भी जाना जाता है, इसको हम लोग ब्रिज हेड कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ब्रिज हेड कार्बन कहते हैं,
ब्रिज हेड कार्बन कहते हैं। कंफ्यूजन नहीं ना। अब इसको डिफाइन करना है कि बाईसाइक्लिक कंपाउंड क्या है या बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या है। तो इसको इंग्लिश में डिफाइन कर सकते हैं कि कंपाउंड्स हैविंग टू साइकिल, दो साइकिल रिंग है ना, कंपाउंड्स हैविंग टू साइकल्स विद मोर देन वन कॉमन पॉइंट, इसमें एक से अधिक कॉमन पॉइंट है ना, तो इसको हम लोग बाईसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। तो लिखे ना डेफिनेशन, तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, कहेंगे कंपाउंड्स हैविंग टू रिंग्स विद मोर देन वन कॉमन पॉइंट, वन कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड बाईसाइक्लिक कंपाउंड। बीसी मतलब बाईसाइक्लिक कंपाउंड। कंफ्यूजन नहीं है। इसको हिंदी में किस प्रकार लिखेंगे, कहेंगे कि वे यौगिक जिनमें दो रिंग एक दूसरे के साथ दो कॉमन पॉइंट से जुड़े होते हैं उसे बाईसाइक्लो कंपाउंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बोलो, बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स कहा जाता है। जो बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स में कॉमन पॉइंट दो होते हैं उस कॉमन पॉइंट को हम लोग ब्रिज हेड के नाम से जानते हैं। कंफ्यूजन नहीं रहा इसमें, पक्का समझ रहे हो, तो इसको आप नोट कर सकते हो, इसको आप उतार लीजिए। यहां पर भी इस रिंग में भी बात करें, इस कंपाउंड में भी बात करें, तो कॉमन पॉइंट मोर देन वन से है ना, वन से अधिक है ना, दो है, क्लियर। तो इसको आप नोट कर सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे ये भी आपका बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, क्यों, क्योंकि इसमें भी दो रिंग है और कॉमन पॉइंट दो है, स्पष्ट ना। बहुत सारे एग्जांपल हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, तो इसको आप नोट कर सकते हैं बच्चों। तो बच्चों इसको आप नोट कर लिए होंगे। अब इसके आईपीएसी नोमेनक्लेचर के तरफ चलते हैं कि इस तरह के कंपाउंड्स का आईपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे हम लोग करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत ही आसान है, देखने में थोड़ा सा टफ लगता है जरूर, लेकिन है इसका आईपीएसी नोमेनक्लेचर बहुत ही आसान है, क्लियर ना। तो चलिए हम अब आते हैं आईपीएसी नोमेनक्लेचर के तरफ। इसका नोमेनक्लेचर मेरे को करना है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आई हैव ए बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स, इसमें भी कॉमन कार्बन कितना है, कितना है बच्चों, दो है, क्लियर ना, ये वाला एक दो, स्पष्ट ना। अब इसका आईपीएसी नाम लिखना है कि किस प्रकार इसका आईपीएसी नेम लिखेंगे, तो ध्यान देना मेरे भाई, सबसे पहले इस तरह कंपाउंड दिखाई देना, तो साइड चेन यदि जुड़ा रहे इसे निकला रहे इस तरह से, ठीक है ना। तो पहले तो साइड चेन का नाम लिखा जाता है, क्योंकि नेमिंग ऑफ द कंपाउंड कहता है कि सर्वप्रथम साइड चेन का नाम लिखा जाता है, तो उस रूल को हमको भूलना नहीं है। तो सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखा जाता है, ठीक है ना, साइड चेन भिन्न भिन्न तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजा दिया जाता है, लेकिन यहां पर हमको पहले इसका बेस नेम जान जाए, उसके बाद इस पर क्वेश्चन हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन प्रॉब्लम्स को करने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए हमको आईपीसी नेम लिखना है बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स का, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, अगर सब्स्टिट्यूएंट रहे तो, उसके बाद लिखेंगे बाईसाइक्लो, क्या लिखेंगे, बाईसाइक्लो लिखेंगे, और ध्यान रहे इसके बाद
ये जो बॉक्स होगा ना स्क्वायर ब्रैकेट होगा, क्या होगा? स्क्वायर ब्रैकेट होगा और सर्कुलर ब्रैकेट भी रहे तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, वो भी सही होता है। बाईसाइक्लो और इसमें जो होगा नंबर ऑफ कार्बन भरेंगे, दैट मींस नंबर ऑफ कार्बन को एक्स डॉट वाई डॉट जेड मान लेते हैं, और लास्ट में जितना रिंग में कार्बन होगा, अल्केन रहेगा तो ए एन ई, अल्किन रहेगा तो ई एन ई, अल्काइन रहेगा तो वाई एन ई। अब ये डिपेंड करता है कि कार्बन कार्बन के बीच कौन बाउंड प्रेजेंट है, क्लियर ना? अब यहां पर तू कहेगा सर जी कि एक्स वाई जेड क्या है, तो बच्चों यहां पर एक्स वाई जेड जो है ना ये नंबर ऑफ कार्बन को इंडिकेट करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, किस ऑर्डर में? डिक्रीजिंग ऑर्डर में, क्लियर ना? तो यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ सी एटम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब ध्यान देना, सवाल उठता है कि इसका नोमेनक्लेचर करके सर जी दिखा दीजिए कि कैसे हम लोग इसका आईपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे। तो सबसे पहले कि आप इस कंपाउंड को लेकर के बनाएंगे, ठीक है ना, यहीं से स्टार्ट करते हैं कि इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, इसका आईपीएसी नेम क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे क्या, नंबरिंग। अब यहां पर सवाल उठता है कि आखिर नंबरिंग इसमें कहां से स्टार्ट किया जाएगा, तो हमेशा ये बात ध्यान में रखना कि नंबरिंग हमेशा किसी एक ब्रिज हेड कार्बन से की जाती है। तो ब्रिज हेड कार्बन ये है आपका और ये है, तो किसी एक ब्रिज हेड कार्बन से की जाती है। अब आप समझ सकते हो कि कहां से की जाएगी, इसमें तो चूंकि साइड चेन मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो फिर उसका जिक्र ही नहीं किया जाएगा। तो आप किसी एक कॉमन कार्बन एटम से कर सकते हो, यहां से नहीं तो यहां से, यहां से भी स्टार्ट करिएगा तो भी सही, यहां से भी स्टार्ट करिएगा तो भी सही, क्लियर ना? तो नंबरिंग स्टार्ट चलो इस हेड कार्बन से कर दे रहे हैं, ब्रिज हेड वन। अब ये बात ध्यान में रखना, अब यहां से इधर, यहां से इस ब्रिज हेड कार्बन से जाने का रास्ता इधर भी है, जाने का रास्ता इधर भी है और जाने का रास्ता इधर भी है। लेकिन हमेशा के लिए ये याद रखना बच्चों कि हम उधर की तरफ जाएंगे जिधर नंबर ऑफ कार्बन एटम मैक्सिमम हो, क्या हो? मैक्सिमम हो। चाहे ये जो आपका चेन है शॉर्ट हो, चाहे इसमें मल्टीपल बॉन्ड हो, चाहे फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। एक बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि इसके नंबरिंग के दौरान हमेशा किसी एक ब्रिज हेड कार्बन से होती स्टार्ट होती है, उधर के तरफ जाते हैं जिधर नंबर ऑफ कार्बन एटम कंटिन्यूअस कार्बन एटम ज्यादा हो, मैक्सिमम हो, क्लियर ना? भले ही आपके इधर के तरफ मल्टीपल बॉन्ड क्यों ना आ जाए, उससे मतलब हमको नहीं रहेगा। बस एक ही नियम याद रखना है कि नंबरिंग स्टार्ट करेंगे किसी एक ब्रिज हेड कार्बन से और उधर जाएंगे जिधर कार्बन की संख्या ज्यादा हो, भले ही दूसरे चेन में दूसरे रास्ते में मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप क्यों ना हो, उससे मतलब मेरे को नहीं रहेगा, क्लियर ना? तो देखना मेरे बच्चों, वन अब इधर के तरफ आएंगे, इस रास्ता को फॉलो करेंगे तो कार्बन मेरे को मिलेगा एक दो तीन, या इसको ले ले चार। बात समझ में आए क्या? यदि यहां पर इधर के तरफ जाते हैं तो एक दो मिलेगा, इधर के तरफ आएंगे एक दो, तो जाहिर सी बात है किधर के तरफ आएंगे, नीचे के तरफ आएंगे, क्योंकि कार्बन की संख्या ज्यादा मिल रहा है। इधर एक दो, इधर एक दो, इधर एक दो तीन, तो किधर के तरफ आएंगे, नीचे के तरफ, तो एक के बाद दो तीन चार, और ये आपका हो गया पांच। अब फिर उधर जाएंगे यहां से जिधर कार्बन की संख्या अधिक हो, इधर एक दो,
इधर एक दो, तो किधर जाओ सेम आएगा, तो यहां पर पांच छ सात, ठीक है ना, आठ नौ, अच्छा है इसको आठ है इसको नौ कर सकते हो। अब तुमको ये ना पकड़ना है कि सर जी आप वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, इसको भी एट इसको भी नाइन कर सकते हो, क्लियर ना। अब इसका नाम लिखना है मेरे को, तो सबसे पहले क्या बोले हैं कि बाईसाइकिल लगा दो, तो लो लगा दो, स्क्वायर ब्रैकेट तो स्क्वायर ब्रैकेट। फिर हमने कहा है कि एक्स वाई जेड जो नंबर ऑफ कार्बन एटम इन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे पहले ये बॉक्स लगा दिए, इस रास्ते में कितना कार्बन है एक दो तीन, फिर किधर गए हैं इधर गए हैं तो इसमें कार्बन कितना है एक दो, फिर इधर आए तो कितना है एक दो, बॉक्स बंद। बॉक्स क्या है बंद, कॉमन कार्बन को काउंट नहीं करना है इसके संख्या में, देखो ध्यान देना बाबू, इधर आ रहे हैं नीचे की तरफ एक दो तीन कार्बन, इधर जा रहे हैं तो एक दो, इधर भी एक दो, ठीक है। अब ई कार्बन को ई कार्बन को हमको इसमें नहीं काउंट करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तब टोटल कितना है इसमें कार्बन, टोटल कितना है तो काउंट कर लो, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, नौ है, तो नौ के लिए क्या होता है नोन, ठीक है ना। आ खाली सिंगल बॉन्ड है तो ए एन ई नोन है। आई होप कि आप समझे होंगे, इसको नोट कर सकते हैं, अभी क्वेश्चन देखेंगे। तो बच्चों उसी को यहां पर नोटेड लिखा दिया गया, बच्चों नोट नंबर फर्स्ट ये लिखाया गया है कि नंबरिंग की स्टार्टिंग हमेशा किसी एक कॉमन पॉइंट से होती है, हमेशा नंबरिंग की स्टार्टिंग किसी एक कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होती है, क्लियर ना। वहां से हम उधर जाएंगे या जाते हैं जिधर कंटिन्यूअस कार्बन एटम की संख्या मैक्सिमम हो, क्या हो मैक्सिमम हो, भले ही शॉर्ट रास्ते में मल्टीपल बाउंड या साइड चेन या फंक्शनल ग्रुप क्यों ना हो, उससे मतलब मेरे को नहीं रहेगा, प्रेजेंट क्यों ना हो उससे मतलब नहीं है, ध्यान रहे, क्लियर ना। यदि कार्बन की संख्या सेम आ जाए तो फिर उधर जाएंगे जिधर मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा साइड चेन ज्यादा, आप समझ रहे हो उस बात को, जब कार्बन की संख्या सेम आ जाए तब। नेक्स्ट नोट नंबर ये है कि जो स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स वाई जेड दैट मींस डिक्रीजिंग ऑर्डर में घटते क्रम में जो कार्बन की संख्या है इसमें इसमें कॉमन पॉइंट वाले कार्बन एटम को इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है ना। इसमें कॉमन कार्बन एटम जो होता है ना ये इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, स्पष्ट ना, ध्यान रहे उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, केवल हम रास्ते में जो कार्बन है ये और ये इसको इंक्लूड करेंगे, इसको इंक्लूड करेंगे, इसको इंक्लूड करेंगे, इसमें एक भी नहीं है रास्ता में, यहां तो ये तिरुवानी ना है ब्रिज हेड ना है तो ब्रिज हेड वाला को काउंट नहीं करेंगे, इसमें एक भी नहीं है तो जीरो, बात समझ में आया क्या। अब हम लोग प्रॉब्लम्स को करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को करते हैं, ध्यान दीजिएगा बाबू। जैसे मान लीजिए हमारे पास है क्वेश्चन है बाबू कि राइट द आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, राइट द आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ फ्लोइंग कंपाउंड्स, ठीक है बच्चों। तो मान ले हमारे पास है बाबू फर्स्ट में ये कंपाउंड्स, ठीक है ना, चलो दूसरा कंपाउंड अपन कंसीडर कर लिया बच्चों ये वाला, चल भाई मेरे ये दोनों बाईसाइक्लिक कंपाउंड से इसका आईपीसी नोमेनक्लेचर मेरे करना है। तो सबसे पहले इसका आईपीसी नोमेनक्लेचर करना है, तो जो ब्रिज एटम है उसको इंडिकेट कर लो,
यहाँ पर तो एटम है ही, याद रहे यहाँ पर एटम है, एटम है, एटम है, एटम है, एटम है, कार्बन। ये ब्रिज हेड एटम है। अब स्टार्टिंग नंबरिंग की स्टार्टिंग किसी एक कॉमन पॉइंट से ही होगा, या तो आप यहां से स्टार्ट करो या यहां से। तो चलो हम यहां से स्टार्ट करते हैं, या इसी चीज को ऐसे लिख देते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाए। यही ना है मेरे बाबू, कंपाउंड आपका यही ना है, एकदम सेम है। अब इसका नाम निकलचर करना, तू नंबरिंग यहां से कर सकता है, और इस रास्ते से, इस तिरमुहानी से हम उधर जाएंगे, उस रास्ते में प्रवेश करेंगे जिधर कंटिन्यूअस कार्बन अधिक हो। यदि यहां से जाते हैं तो एक दो तीन, यदि यहां से इधर आते हैं तो एक दो तीन, यदि यहां से इधर आते हैं तो एक दो तीन, सॉरी यहां से इधर जाते हैं तो एक दो तीन, ठीक है ना। ये ब्रिज हेड को काउंट नहीं करना है, किसी एक को काउंट करना है। तो एक दो तीन चार, अच्छा इसको छोड़ के काउंट कर रहे हैं तो एक दो तीन, इधर आ रहे हैं तो एक दो, फिर इधर आ रहे हैं तो एक दो। तो बच्चों बताओ किधर जाए, जाहिर सी बात है जो बड़ा है उधर तो एक, आ इधर दो तीन चार, आ यहां पर आएंगे रुक जाएंगे पांच। एक कॉमन पॉइंट से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, दूसरे कॉमन पॉइंट पर आके रुक जाना है। क्या बोले हैं? एक कॉमन पॉइंट से नंबरिंग स्टार्ट करना है, दूसरे कॉमन पॉइंट पर आके रुक जाना है। क्या हो जाना है? स्टॉप हो जाना है, रुक जाना है, और फिर डिसाइड करते हैं कि यहां से उधर जाएंगे जिधर कंटिन्यूअस कार्बन अधिक हो। इधर एक दो, ठीक है ना, और इधर एक दो, दोनों तरफ सेम आ रहा है, तो साइड चेन है नहीं, मल्टीपल बॉन्ड है नहीं कि डिसाइड करे, तो जिधर मन करे उधर जा सकते हैं। तो पांच छ सात आठ नौ, या इसी को छ सात आठ नौ कर सकते थे, या इसी कंपाउंड को यहां से नंबरिंग तू स्टार्ट कर सकता है। वन, ठीक है ना, उधर जाओ जिधर कार्बन ज्यादा, एक दो तीन, एक दो एक दो, तो इधर जाएंगे दो तीन चार पांच, इधर छ सात, या इसी को आप कर सकते हो छ सात आठ नौ, या आठ नौ ऊपर नीचे, कोनो प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका नाम लिख दो, तो हमने बोला है कि पहले बाईसाइकिल लगाना पड़ेगा तुमको, तो बाईसाइकिल बॉक्स। अब जिसमें कार्बन अधिक हो उस वाला को लिखते हैं। तो कार्बन किसमें अधिक था? इसमें अधिक था ना, एक दो तीन, एक दो तीन, इसमें ना था ना, तो थ्री डॉट। अब किसमें था? इसमें भी दो गो, इसमें भी दो गो, तो कौनों को पहले लिखते दो दो, ये एक दो, और फिर एक दो, एक दो, तो दो। फिर शुरू से देखो, बाईसाइक्लो थ्री टू टू कैसे आया है, तो थ्री इसमें कार्बन अधिक है, एक दो तीन, पहले ज्यादा वाला को लिखेंगे तो तीन, उसके बाद इसमें देखो एक दो, या इसमें एक दो, तो एक दो, तो इस दो को लिख दिया, फिर इसमें भी एक दो, तो इस दो। बताओ इस कॉमन कार्बन को हम काउंट किए हैं? इसमें काउंट नहीं ना किए हैं, काउंट कर देते तो गलत हो जाता, बट्स बंद, क्लियर। अब टोटल कार्बन काउंट कर लो, तो एक काम करना ना, ये टोटल को क्या करना, जोड़ देना, तो तीन अदू पांच अदू सात, अपना मन से दो जोड़ देना, तो कितना हो जाता, नौ। नहीं तो विश्वास है तो काउंट करो, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, नौ के लिए नौ वाट रूट होता है, और तुमको पता है केवल सिंगल बाउंड है इसमें, तो ए एन ए। अब इसके पहले साइक्लो नहीं लगाएंगे, चूंकि बाई साइक्लो लगा दिए इसके लिए, इस कंपाउंड के लिए, यही आपका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं ना है। फिर इसका नाम लिखना, तो सर जी अभी बताएं कि किसी एक कॉमन कार्बन से स्टार्ट कर दो, यहां से नहीं तो यहां से, तो यहां से इसका नाम लिखो, चाहे इसका, दोनों का एकदम सेम आने वाला है। यहां देखो कहीं से स्टार्ट कर दो, कहां से स्टार्ट करें, कहीं से स्टार्ट कर दो, चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं, एक उधर जाओ जिधर कार्बन ज्यादा है, इधर एक दो तीन चार, इधर एक दो तीन, इधर एक भी नहीं, तो इधर जाएंगे दो तीन चार पांच छह, एक कमन से स्टार्ट, एक कमन का पॉइंट से नंबरिंग स्टार्ट करना है, दूसरे पर आके रुक जाना है, फिर उधर जाएंगे जिधर कार्बन अधिक हो, इधर के तरफ एक भी नहीं, इधर एक दो तीन, तो इधर जाएंगे सात आठ नौ, कंफ्यूजन नहीं ना है सर? क्या
यहाँ पर छह, तो इसको सात आठ नौ कर सकते थे, बिल्कुल सही होगा, सात आठ नौ कर सकते हो। समझ में आया क्या, कंफ्यूजन नहीं है? चलो तो इसका नाम लिखेंगे क्या, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो। अब बताओ इसमें कार्बन कितना, एक दो तीन चार, ठीक है ना, इसमें कितना एक दो तीन, इसमें कितना जीरो। तो पहले किसको लिखेंगे, पहले किसको लिखेंगे, चार वाला तब तीन वाला तब जीरो वाला, बात समझ में आना। तो फोर डॉट थ्री डॉट जीरो, क्यों जीरो, क्योंकि इसमें कार्बन एक भी नहीं है, ब्रिज हेड वाला को काउंट नहीं किया जाता है। तो टोटल कितना है, हमने बोला तुमसे चार तीन सात जीरो, सात होगा और दो अपने मन से जोड़ दो, नॉनेन हो जाएगा ना, नॉनेन। अब तुमको लगे कैसे जोड़ दिए, तो काउंट कर लो, यहां से स्टार्ट करो, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, यही आपका आई पी एस सी नोमेनक्लेचर हो जाएगा। तो इतना आप नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा से स्टार्ट करते हैं। कुछ और कंपाउंड्स लिए गए जिसका आई पी एस सी नोमेनक्लेचर करना है, ठीक है ना, सबके सब बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स है। जैसे इसका नाम लिखना है तो आप लिख लीजिएगा ना, नंबरिंग स्टार्ट एक पॉइंट से होगा, एक दो तीन चार पांच छ, इसमें तो एक भी नहीं है, आप कैसे क्या कर दे, एक दो तीन, इधर एक दो कार्बन, इधर भी एक दो, इधर एक भी नहीं, तो इधर अच्छा इधर जा सकते हैं, दो इधर भी, दो इधर भी, साइड चेन तो है नहीं, इधर एक भी नहीं, तो हम इधर या इधर जा सकते हैं ना, तो क्या नाम लिखेंगे, बाईसाइक्लो। बॉक्समान इसमें दो कार्बन, फिर इसमें जीरो, तो इसको नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे एक दो कार्बन, फिर इसमें आएंगे तो एक भी कार्बन नहीं है तो जीरो, एक भी कार्बन नहीं है तो जीरो, ध्यान रहे ये बात को, जीरो कहां से आया, एक भी कार्बन नहीं है इसलिए, ठीक है ना, इसमें दो कार्बन है तो इसलिए दो, इसमें भी दो कार्बन है इसलिए दो, बाईसाइक्लो, टोटल कार्बन कितना है, तो दो दो चार, दो अपने से छोड़ जोड़ दो तब भी टेन, विश्वास ना है तो काउंट करो, दो दो चार, दो अपने से जोड़ेंगे तो छन होगा, तो हेक्सेन होगा, क्या होगा, हेक्सेन, काउंट कर लो, एक दो तीन चार पांच छ, इसका नाम लिखना है तो लिख दो, एक दो तीन चार, इसमें एक भी नहीं है तो लिखेंगे बाईसाइक्लो, समझा दिए हैं, इसमें एक कार्बन तो एक, फिर इसमें जीरो तो इसको लिखेंगे एक, इसमें भी एक है, इसमें जीरो तो जीरो, टोटल दो है, दो अपने मन से जोड़ दो चार, काउंट कर लो, एक दो तीन चार को है तब भी टेन, क्या हो जाएगा, भी टेन हो जाएगा। किसको लिखना है, क्या कर दे, नंबरिंग कहीं से स्टार्ट करो, एक इधर एक दो, इधर एक दो, इधर एक, कहीं जाओ इधर, अच्छा इधर लेकिन बीच में नहीं जाएंगे, दो तीन चार पांच छ, आई बीच में सात, लिखेंगे बाईसाइक्लो। बॉक्समान इसमें दो कार्बन तो दो, इसमें एक इसमें दो, तो पहले दो वाला को लिखेंगे, इसमें एक है तो एक, टोटल कितना हो जाएगा, दो दो चार एक पांच, और दो जोड़ दो सात के लिए है टेन, यही हमारा आईपीएसी नोमेनक्लेचर बाईसाइकिल कंपाउंड हो जाएगा, क्लियर ना। यहां पर देखो, अब तू इमेजिनेशन इसको करना, ये जो रिंग है ये एक है, ठीक है ना, और ये जो तुमको रिंग दिखाई दे रहा है ये अलग है, ये नहीं कि एक दो तीन रिंग दिखाई दे रहा है, ये जो है ना ऐसे है ये, और ये जो है ना ऐसे पट है, मतलब खाड़ा है, ये चीज क्या है, खाड़ा है। तो इमेजिनेशन कर लेगा ना, जैसे कि मान लो ये रिंग है फोर मेंबर, क्या है ये, ध्यान में रखना, ये आपका रिंग है, ये आपका क्या है, रिंग है। अब इस पर ये चीज जो है ना खाड़ा है, ये इस तरह से नहीं, ये खाड़ा है, तो नंबरिंग किसी एक से स्टार्ट करेंगे, इसमें कार्बन एक दो, इसमें भी एक दो, इसमें भी एक दो, तो नंबरिंग कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं, एक इधर आएंगे तो एक दो, ये तो नहीं है, ये कार्बन नहीं है, इस पर आपको दिखाई दे रहा है कि चढ़ा हुआ है लेकिन नहीं है, यहाँ ये चीज खाड़ा है, इस पर ये चीज क्या है, खाड़ा है, तो एक इधर जाएंगे तो एक दो, इधर एक दो, इधर एक दो, कहीं जाओ दो तीन चार पांच छ सात आठ, या सात आठ, तो हो जाएगा नाम बाईसाइक्लो।
वर्तमान दूध और दूध और दूध, क्यों दूध और दूध और दूध, क्यों टू टू लिखे हैं, क्योंकि एक दू इसमें भी, एक दू इसमें भी, एक दू इसमें भी, वर्तमान। अब टोटल कार्बन दूध चार दू छह और दू जोड़ दो अपन से आठ ऑक्टेन, ना विश्वास है तो काउंट करके देख सकता है, आठ टोटल आ रहा है। यहाँ पर देखो, देखो यहाँ पर नंबरिंग कहीं से स्टार्ट करो, इधर भी एक दो, इधर भी एक दो, इधर भी एक दो। आई होप कि जैसे ये है वैसे ही ये भी है, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही बना सकता है, ऐसे ही बना सकता है, कंफ्यूजन ही ना है, तो आप इसको नोट कर सकते हो। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम्स की तरफ आते हैं। तीन कंपाउंड्स दिए गए हैं जिसका नोमेनक्लेचर करके आपको हमारे पास व्हाट्सएप नंबर, जो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है उस पर सेंड करना है, ठीक है ना, बन जाएगा, ये बन जाएगा ना, हम क्या बोले हैं, वहां से इधर जाना है जिधर कार्बन संख्या ज्यादा, इधर एक दो तीन, इधर एक दो तीन, इधर एक दो तीन, इसमें कहीं जाओ सेम आएगा। यहाँ पर यहीं से स्टार्ट करेंगे, उधर जाएंगे जिधर कार्बन संख्या ज्यादा, इसमें एक दो, इसमें एक दो तीन, इसमें एक, तो इधर आएंगे ना तब इसमें जाएंगे, तब इसमें, इसमें इधर आएंगे तो एक दो, इधर एक दो, इधर एक दो तीन चार पाँच छः सात, तो किधर जाएंगे, इधर जाएंगे, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, नाम लिख लेगा ना, तो इसको आप वर्क करके सेंड करिएगा। नेक्स्ट टाइप के प्रॉब्लम्स में जाते हैं बाईसाइक्लिक में। तो बच्चों नेक्स्ट टाइप के प्रॉब्लम्स लिए गए हैं, इससे बाईसाइक्लिक कंपाउंड मल्टीपल बॉन्ड और साइड चेन प्रेजेंट है, तो इस तरह कंपाउंड में क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले कहानी वही होगा स्टार्ट कि नंबरिंग डिसाइड करना है कि यहां से स्टार्ट करें कि यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, ध्यान रहे। इससे पहले इस तरह कंपाउंड आ जाए तो सबसे पहले हम देखते हैं जो चेन में कार्बन है उसके तरफ कि किसमें ज्यादा है, इसमें एक दो है, इसमें एक है, इसमें भी एक दो है, अब इसमें भी दो, इसमें भी दो, तो फिर उधर जाएंगे जिधर मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा हो, उधर जाएंगे जिधर मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा हो। यदि ये सेम आ जाएगा तो साइड चेन देखेंगे, बुझा रहा, यदि ये सेम आ जाएगा तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का पालन करेंगे। तो यहां देखिएगा इसमें भी एक दो कार्बन, इसमें भी एक दो कार्बन, इसमें एक, तो इधर तो जाएंगे नहीं पहले, लेकिन अब डिसाइड मेरे करना है कि किधर जाए, तो इधर दो आ इधर भी दो, इधर साइड चेन है आ इधर मल्टीपल बाउंड है, तो किधर के तरफ जाएंगे पहले, मल्टीपल बाउंड वाला के तरफ जाएंगे। नंबरिंग का ये कंसेप्ट याद रखिएगा, पहले मल्टीपल बाउंड को की ओर जाएंगे, जब कार्बन की संख्या सेम आ जाए तब। तो देखो नंबरिंग स्टार्ट कर देते हैं कहां से, तो यहां से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, इधर जाएंगे तो टू थ्री फोर। अब करना क्या है, हम यहां पर इधर नहीं जाएंगे, इधर जाएंगे क्योंकि कार्बन ज्यादा है, तो पांच इसको दे कि पांच इसको दे, पांच इसको देंगे, क्यों, क्योंकि साइड चेन मिनिमम पोजीशन मिलेगा, यदि यहां साइड चेन रहता है यही चीज तो पांच यहां देते छह यहां, ठीक है ना, आ यहां पर पांच के बाद छह आए भाई हो जाएगा सात। तो नाम पहले नेमिंग ऑफ कंपाउंड कहते हैं कि सबसे पहले भाई साहब साइड चेन का नाम लिखो, तो साइड चेन क्या है, मिथॉक्सी है, OCH3 को मिथॉक्सी कहते हैं, पांच नंबर पर है तो फाइव मिथॉक्सी, क्लियर। फिर बाईसाइक्लो, दो कार्बन दो कार्बन एक कार्बन, दो डॉट एक, दो दो चार एक पांच, दो सात, सात में है हेप्ट, मल्टीपल बाउंड है दो तीन पर है तो दो वाला को लेते हैं तो टू इन, यही आपका नाम हो जाएगा, कंफ्यूजन ही है। फिर यहां जाओ भाई, आ जाओ यहां मेरे भाई, आ जाओ आ जाओ। अब नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे कि यहां से, यदि यहां से स्टार्ट करते हैं तो एक दो नंबर पर मल्टीपल बाउंड, काउंट कर लो पहले कार्बन, एक दो एक आ एक दो, ठीक है ना, आ इधर तीन, तो इधर तीन है, इधर दो है, इधर एक है, तो इधर आएंगे तीन है, देख लो एक दो तीन, इधर एक, इधर एक दो, तो इधर आएंगे ना। अब
सेलेक्ट करना है कि नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे कि यहां से, तो यहां का इस कार्बन से स्टार्ट करें कि इस कार्बन से, तो उस कार्बन से स्टार्ट करें जहां से ये मल्टीपल बॉन्ड का जो पोजीशन है नजदीक पड़े। तो यहां से करते हैं तो एक दो नंबर पर पड़ेगा, यहां से करते हैं तो एक दो तीन नंबर पर पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है नंबरिंग यहां से होगा, एक दो तीन चार पांच। अब यहां छह की यहां छह, यहां छह और सात एक है तो लास्ट में आठ। अब तू सोचेगा कि सर जो आप नंबरिंग किए वन टू थ्री फोर फाइव, क्या यहां से नहीं कर सकते थे वन टू थ्री फोर फाइव, वही बात पड़ता नहीं, मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन घबरा जाता है। यहां से करते थे एक दो नंबर पर, यहां से करते थे एक दो तीन नंबर पर। तो ये भूल जाना है कि हमको कहीं कौनो भी पॉइंट से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे, ये गलत है। आपको डिसाइड करना होगा कि कहां से स्टार्ट करें, कहां से मल्टीपल बॉन्ड या साइड चेन का पोजीशन सेम आ जाए, मिनिमम पोजीशन मिले, ठीक है ना। तो ये नहीं माइंड में लेकर के चलना है कि हम इस पॉइंट से या इस पॉइंट से नंबरिंग स्टार्ट कर लेंगे, नहीं, आपको खुद से डिसाइड करना है, काउंट कर लेना है कि इधर से पोजीशन नजदीक मिनिमम पड़ रहा है। तो पहले साइड चेन का नाम तो छह नंबर पर मिथॉक्सी है, स्पष्ट ना, लिखेंगे अब साइड चेन नहीं है तो बाई साइकिल बॉक्स वन। अब देखो इधर एक दो तीन, इधर दो, इधर एक, ये घटते क्रम में होता है। अब मेन चेन में क्या करवाए तो तीन दो पांच दो पांच एक छ, तीन दो पांच एक छ और दो जोड़ दो तो आठ, तो ऑक्ट कहो जी, तो ऑक्ट। अब इसमें मेन चेन में क्या करवाए ऑक्ट, और डबल बॉन्ड आया है दो तीन पर तो दो वाला को लेता है तो टू इन, क्लियर ना, ई एन ई है बच्चो, ई एन ई, स्पष्ट ना। अब यहां पर क्या इसका नंबरिंग क्लियर कर सकता है, मान लो नंबरिंग यहां से स्टार्ट कर सकते हैं या यहां से, लेकिन कार्बन काउंट कर लो, इधर एक दो, इधर भी एक दो, इधर भी एक दो, अब तो मामला फंसा ना, तीनों तरफ कार्बन सेम आ रहा है, ठीक है। कार्बन क्या आ रहा है बोलो, कार्बन तीनों तरफ क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। आज जब सेम आ रहा है तो देखेंगे किधर मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा है, इधर भी एक, इधर भी एक, इधर तो है ही नहीं, तो इधर जाएंगे नहीं, सबसे लास्ट में जाएंगे। फिर यहां पर डबल बॉन्ड है, इधर ट्रिपल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को प्रीफर करते हैं, किसको प्रीफर करते हैं, डबल बॉन्ड को प्रीफर करते हैं। तो क्या करेंगे बोलो, नंबरिंग स्टार्ट यहां से होगा वन टू थ्री फोर, इधर नहीं जाएंगे फाइव सिक्स, चूंकि मल्टीपल बॉन्ड इधर साइड चेन है, सेवन एट की सेवन एट, ऊपर वाला को सेवन और नीचे वाला को एट, क्यों, क्योंकि साइड चेन का पोजीशन मिनिमम मिल रहा है। तो नाम लिख दो, पहले साइड चेन का नाम लिख दो, तो क्या हो जाएगा, सात नंबर है तो सेवन कर लो, बाईसाइकिल बॉक्स वन। अब इसमें भी एक दो एक दो एक दो, तो दो डॉट दो डॉट दो, मेन चेयर में कितना कार्बन है, आठ है तो ऑक्ट, डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड है, तो पहले डबल बॉन्ड को टू थ्री पर है तो टू इन, ट्रिपल बॉन्ड पांच छह पर है तो फाइव वाइन, यही हमारा नाम हो जाएगा। क्या इसका नाम लिख लेगा ना, किधर जाएंगे जिधर कार्बन की संख्या ज्यादा हो, इधर एक दो तीन चार, इधर एक दो, इधर एक दो, तो नंबरिंग एक दो तीन चार पांच छह। आपको मल्टीपल बॉन्ड नहीं देखनी है, कार्बन की संख्या देखनी है, ध्यान रहे। अब इधर डबल बॉन्ड इधर ट्रिपल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड को प्रीफर करते हैं तो सात आठ नौ दस, नाम लिख लेगा पक्का। तो इस तरह के कंपाउंड्स आए तो आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा जैसे जैसे हम लोग फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे, तो साइक्लिक कंपाउंड का पढ़ेंगे, वैसे ही बाई साइक्लिक कंपाउंड का पढ़ेंगे, वैसे ही आपका अभी अभी पढ़ेंगे स्पाइरो कंपाउंड्स का भी, तो ध्यान करना है। बाई साइक्लिक समझ डाला तो फिर इसके आगे वाला स्पाइरो कंपाउंड्स जिंदा लाला, लिखो इसको, तो बच्चों अब हम लोग देखने जा रहे हैं स्पाइरो कंपाउंड्स को। बाई साइक्लिक कंपाउंड्स कंप्लीट हो गया, बहुत ही कम है स्पाइरो कंपाउंड्स, बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स को हम लोग समझ लिए तो स्पाइरो कंपाउंड्स में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए हेडिंग लगाइए स्पाइरो कंपाउंड्स,
एस्पायरो कंपाउंड्स। अब क्या है एस्पायरो कंपाउंड्स, ध्यान देना, तो यही है एस्पायरो कंपाउंड्स। दो रिंग होगा और एक दूसरे से डायरेक्ट अटैच्ड होगा, जुड़ा होगा, और इसमें ये ब्रिज हेड होता है। ब्रिज हेड कार्बन है, या इसी को कॉमन पॉइंट बोल सकते हैं, या इसी को कॉमन कार्बन एटम बोल सकते हैं। और एस्पायरो कंपाउंड में कॉमन पॉइंट कॉमन कार्बन एटम वन ही होता है, क्लियर ना। दो रिंग होगा एक दूसरे जुड़ा रहेगा, और ये कॉमन कार्बन है, चूंकि ये इसमें भी इन्वॉल्व है, इसमें भी इन्वॉल्व है, इसलिए क्या है कॉमन कार्बन एटम है, कॉमन पॉइंट बोल सकते हैं, या इसी को ब्रिज हेड बोल सकते हैं। तो इसको किस प्रकार डिफाइन करेंगे, उसको डिफाइन किया था कंपाउंड हैविंग टू रिंग टू साइकल्स विद मोर देन वन कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड बाईसाइकिल कंपाउंड्स। लेकिन एस्पायरो में कॉमन कार्बन कितना रहेगा, वन रहेगा। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं कि कंपाउंड्स हैविंग टू रिंग्स या साइकिल विद ओनली वन कॉमन पॉइंट, विद ओनली वन कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड एस्पायरो कंपाउंड। तो लिख सकते हैं कि कंपाउंड्स हैविंग टू साइकल्स विद ओनली वन कॉमन पॉइंट। तो इसको नोट कर सकते हो। अब इसका नामकरण क्या करना है, कैसे करना है, तो इसका आईपीसी नेम भी देख लो। इसके आईपीसी नेम में जिस प्रकार उसमें बाईसाइकिल लगता था, इसमें एस्पायरो लगेगा। क्या लगेगा, एस्पायरो। ये बॉक्स सर्कुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है ना। एक्स डॉट वाई, बस दो ये बनाता है। ये कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम है, लेकिन किस ऑर्डर में, उसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में था, तो इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है बच्चों। तो कैसे क्या करना है, एस्पायरो एक्स वाई, और इसमें अल्केन रहे तो अल्केन, अल्किन रहे तो अल्किन, अल्काइन रहे तो अल्काइन। तो इसको आप नोट कर सकते हो, ठीक है ना। इसमें जो नोमेनक्लेचर के दौरान पॉइंट्स आते हैं उसको लिखा दे रहे हैं, इसको नोट करें। तो बच्चों यहां पर लिखा गया एक पॉइंट्स कि इसमें नंबरिंग की स्टार्टिंग कॉमन कार्बन को छोड़कर की जाती है। एक कॉमन कार्बन एटम होके करता है, उसको छोड़कर करेंगे, उसको नंबरिंग में काउंट शुरुआती में नहीं करेंगे। और नंबरिंग की स्टार्टिंग शुरुआत हमेशा स्मॉल रिंग से बिग रिंग, स्मॉल रिंग टू बिग रिंग में होती है। कॉमन कार्बन को छोड़कर नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, और नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, स्मॉल रिंग में से जाएंगे और बिग रिंग में खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग छोटा रिंग से, एस फॉर एस्पायरो, एस फॉर एस्पायरो, एस फॉर स्मॉल रिंग, ठीक है ना। अब बाईसाइकिल में क्या था, बाईसाइकिलो कंपाउंड में बी फॉर बिग रिंग, बिग रास्ता, बिग इंग्लिश में बोल सकते हैं वे माने रास्ता, ठीक है ना। तो बी फॉर बिग, एस फॉर एस्पायरो स्मॉल, ये याद रखिएगा तो दिक्कत नहीं होगा। तो इसको नोट कर सकते हैं। अब देखो नोमेनक्लेचर करते हैं कुछ कंपाउंड्स का, ध्यान देना बाबू। जैसे मान लीजिए ये कंपाउंड है, ठीक है, चलो इसको लेते हैं छोटा बड़ा लेके, इसका नोमेनक्लेचर करना है। तो ये कॉमन कार्बन है ना, इसको नंबरिंग स्टार्टिंग में नहीं करेंगे, और उसके बाद स्मॉल रिंग में जाएंगे। तो इस रिंग में कार्बन एक दो, इसमें एक दो तीन, तो किस में जाएंगे, स्मॉल में। तो नंबरिंग ये इसमें होगा पहले, एक दो, उसके बाद कॉमन कार्बन तीन, तब इस रिंग में प्रवेश करेंगे, तो चार पांच छ, या चार पांच छ बोल सकते हो। तो नाम होगा एस्पायरो, बॉक्स बंद। जो कार्बन की संख्या थी इंक्रीजिंग ऑर्डर में थी ना,
तो इसमें कार्बन दो आ इसमें एक दो तीन, तो पहले दो वाला को लिखेंगे तब तीन वाला को, जीरो नहीं लिखेंगे क्योंकि एक्स वाई ये होता है स्पाइरल में, ध्यान रहे। अब बाईसाइक्लिक में, बाईसाइक्लिक कंपाउंड में क्या था, एक्स वाई जेड तीन को था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पूरा कार्बन कितना है, पांच है, तो लिख देंगे पेंटेन। देखो ना कितना है, छ है ना, तो छ के लिए हेक्सेन। आई होप कि आप समझ गए हैं। और एक कंपाउंड लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये कंपाउंड है नंबरिंग कॉमन कार्बन को छोड़कर के स्मॉल रिंग में जाएंगे, इसमें एक दो तीन, इसमें एक दो तीन चार, तो स्मॉल रिंग में जाएंगे एक दो तीन, उसके बाद कॉमन कार्बन पर आएंगे पांच छ सात आठ, इसको भी पांच छ सात आठ बोल सकते थे, तो नाम हो जाएगा स्पाइरो, बॉक्स बंद। इसमें एक दो तीन, इसमें एक दो तीन चार, तो पहले कम वाला को तीन चार बॉक्स बंद। टोटल कार्बन कितना है, आठ है, तो ऑक्टेन। आई होप कि आप समझ गए हैं। और एक कंपाउंड लेते हैं, इसका नाम लिखना है, इसमें एक दो तीन चार, इसमें एक दो तीन चार पांच, तो कॉमन कार्बन को छोड़ दे, इसमें चार इसमें पांच, तो इसमें आएंगे एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस, तो क्या हो जाएगा नाम, स्पाइरो बॉक्स बंद। इसमें एक दो तीन चार और इसमें पांच, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और टोटल कार्बन कितना है, आठ है कि नौ है कि दस है, दस है, दस के लिए डेके। समझ में आया क्या, पक्का? तो इसको आप नोट कर सकते हो। और एग्जांपल लेते हैं मल्टीपल बॉन्ड से रिलेटेड, ध्यान देना भाई मेरे, जैसे एक कंपाउंड लेते हैं, ध्यान दो इधर, ठीक है, ये हमारे पास कंपाउंड्स है, इसका नंबरिंग क्लियर करना है, स्पाइरल कंपाउंड है, तो नंबरिंग तो छोड़ के इसको करते हैं, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगा, नहीं तो यहां से स्मॉल रिंग है, तो यहां से स्टार्ट करेंगे, साइड चेन का पोजीशन कम मिलेगा, तो एक दो हाई हो जाएगा तीन। अब बताओ किधर जाए, इधर भी डबल, इधर भी डबल, किधर जाओ, तो चार पांच छ सात आठ, ये सात आठ, ठीक है ना। अब नाम लिखेंगे, पहले साइड चेन का नाम यही ना है, साइड चेन तो एक नंबर पर है, तो वन इथाइल है ना, दो कार्बन है तो का इथाइल, तो वन एथाइल, ठीक है ना। आ स्पाइर कहां स्पाइर लगा दिए, कहें कि अब साइड चेन नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें कार्बन दो गो, इसमें एक दो तीन चार पांच गो, दो डॉट पांच, देखो कैसे दो, एक दो कार्बन है इसमें एक दो तीन चार पांच, ऐसे दो डॉट पांच, और टोटल कार्बन कितना है, आठ है, तो ऑक्ट, तो ऑक्ट, और डबल बॉन्ड रिपीट कर रहा है ना, दोबारा आ रहा है, तो वर्ड रूट में अपने मन से ए लगा देते हैं, ऑक्टा। एक मल्टीपल बॉन्ड चार पर है, एक सात पर है, तो चार कमा सात, दो है तो डाई ई एन ई डबल बॉन्ड के लिए, क्लियर ना। आई होप कि आप समझ गए, इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड तुमको देते हैं, बना लीजिएगा आप, इसको बना लीजिएगा, बन जाएगा ना, ये एक दो कार्बन वाला, यहीं से नंबरिंग होगा, दो तीन चार, एक दो तीन, इसको चार पांच छ कर लेगा ना। नेक्स्ट कंपाउंड ले लो, इसको तू नोमेनक्लेचर कर देना, ठीक है। डबल बाउंड है, यहां ऐसे, यहां ऐसे, इसका नाम लिख लीजिएगा, नंबरिंग स्मॉल रिंग में होगा, इसमें एक दो तीन चार पांच, इसमें एक दो तीन चार, तो नंबरिंग हमेशा स्मॉल रिंग में जाएंगे, तो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस, सब पीछे वाला रूल लगेगा। तो पहले साइड चेन ये है, ये है, कितना नंबर पर है, एक और चार, तो एक कहा चार डाइमिथाइल, एक जगह कहा लिखा है, कहे कि साइड चेन में दोनों सेम है, ठीक है ना। उसके बाद स्पाइरो,
बॉक्स बंद, इसमें एक दो तीन चार, इसमें पांच, तो चार डॉट पांच बॉक्स बंद। मेन चेन में क्या कर रहे हैं, दस के लिए डेक, और डबल बॉन्ड रिपीट कर रहा है तो ए लगा देंगे वर्ड रूट में। एक दो तीन पर है तो दो, एक छ सात पर है तो छ, एक नौ दस पर है तो नौ, और तीन है तो ट्राई आई एन ई। तो इस तरह के आई पी सी नोमेनक्लेचर करने के लिए कंपाउंड आ जाए कितना कॉम्प्लेक्स, तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं, आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो आज हम लोग अध्ययन क्या किए, स्टडी किए बाबू, बाइसाइक्लिक कंपाउंड का आई पी एस सी नोमेनक्लेचर और स्पाइरो कंपाउंड्स का आई पी एस सी नोमेनक्लेचर अच्छा से हम लोग डिस्कस किए, हर एक टाइप के प्रत्येक टाइप के प्रॉब्लम्स को किए हैं, और ये जारी रहेगा जैसे जैसे हम लोग फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे अब, तो वैसे वैसे ये इन्वॉल्व होंगे आएंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, धन्यवाद।